कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, ये आते जाते रहते हैं, क्या होता है? अच्छा, सीधा प्रश्न आपको जो सुनना है वो सुनना चाहते हैं, तो आते जाते का मतलब आए और गए, गठबंधन हुआ नहीं हुआ उसी की बात हो रही है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज थी। अब इसमें आप ऑफेंड नहीं फील कर रही हैं? नहीं, क्यों करना है? करना भी नहीं चाहिए। नहीं, क्यों करना इस बात पे? क्योंकि भाई राजनीतिक दल, नहीं नहीं ब्रजेश जी, राजनीतिक दल तो जो बोलेंगे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, बर्दाश्त नहीं, इसे हम कहते हैं साथ में होना, इसे कहते हैं साथ में होके एक उद्देश्य को पाना। अपमान का घूंट भी कर? नहीं, इसे अपमान कहां से कह सकते हैं? अपमान तो है, जब भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, सुन लीजिए, उन्होंने अभी बोला ना कि हम 80 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, घटक दलों का नाम तक नहीं लिया उन्होंने, एनडीए का नाम नहीं लिया, सीधे बोला है हम भाजपा वाले लड़ रहे हैं। वो अपमान होता है जो उनके घटक दल है उनके साथ। हमारे साथ नहीं, हम जब भी बात करते सीट बांटी नहीं, हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं अपने गठबंधन की बात करते हैं, इनकी तरह नहीं कि भाजपा सर्वोपरि, बाकी लोग देख लेंगे, हम तो 80 पे लड़ रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारा चुनाव लड़ना, हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आए हैं, हमने एक गठबंधन बनाया है, सबके विचारों का जो सम्मान है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं आपसे स्पष्टता चाहता हूं। जी बताएं। आज इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जी। आपको फाइनली कंसल्ट भी नहीं किया गया और आपके यहाँ कल हुई मीटिंग पे नतीजा रही है। कांग्रेस इस बारे में कोई राय नहीं रखती है? ब्रजेश जी कैसी बात करते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पार्टियों को नहीं पता होता है, मुख्यमंत्री को नहीं पता होता है, और आप हमें हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन का काम हो रहा है, कैसे नहीं पता होगा? हम ऐसी पार्टी नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले गठबंधन के लोग हैं। जहाँ पे क्या ये सीट बांटने से पहले आपको विश्वास में लिया गया? हो सकता है आपको न बताया गया हो, आपके सूत्र न पहुंच पाए हो और हमारे सूत्र हमारे साथ जुड़े हुए। मैंने कहा ना, मुझे तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहीं जब उनसे पूछा गया तो वो बेहोश मिले थे। कोई बेहोश नहीं मिला, मैं आपको बेहोश दिख रही क्या? मैं तो कह रही हूं जिस देश में मुख्यमंत्री को ना पता हो कि कब बदल जाएगा वो, उस देश में हम एक गठबंधन के लोग साथ में चलते हैं। ये सरप्राइज अटैक नहीं है आपके ऊपर? सरप्राइज अटैक था नहीं, या फिर आप लोगों के साथ कल हुई बातचीत में ये कुछ बात हुई थी क्या ये वाली? देखिए, मैं हमेशा जब गठबंधन को लेके, जो हमारे जो समन्वय के लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, जब तक वो ऑफिशियल कोई चीज हमें नहीं बताएंगे, हम यहाँ बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। वहां पे जो बात हो रही है, कल जब मीटिंग खत्म हुई तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव और आपकी पार्टी की तरफ से मीडिया में बात की गई, उसमें कहा गया कि अभी बातचीत चल रही है, हाँ, फाइनल नहीं हुआ जी। और आज सुबह ये कांड हो गया? नहीं, तो कांड क्या हुआ है, हमारी कांग्रेस की और सपा के साथ जो बात हो रही है उसमें गठबंधन में कितनी सीट किसको देनी है, इस पे बात चल रही थी कांग्रेस को लेके ना। तो ये साथ दे दिए, इन साथ पर आपका कोई क्लेम तो नहीं बनता? नहीं, देखिए, समन्वय के साथ गठबंधन की चीजें जो तय होंगी, हम सहर्ष उस पे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें आप इस संभावना और विडंबनाओं के साथ जितने भी शब्द डालेंगे कारगर नहीं होने वाले, क्योंकि देश को खबर चल रही है कि 10 से कम सीटें आपको दी जा रही है, इस कारण आप लोग का मुंह उखड़ा हुआ है। देखिए, खबर चल रही है, मैं खबरों की सत्यता क्लैरिटी दे दो ना, बात खत्म। नहीं नहीं, कह तो रही हूँ, जिस दिन लिस्ट में नाम आएगा, चीजें आएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से मत बताइए, जो सच है उसको बताइए। मैंने कहा ना, जिस देश में मुख्यमंत्री बदल जाए उसको पता ही ना कि हम कब बदले जाएंगे। मुझे ये स्पष्टता दे दीजिए, क्या आपको विश्वास में लेकर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को सीटें दी हैं या नहीं दी? गठबंधन के लोग साथ बात करके तो आगे बढ़ेंगे ना। पर कल तक तो नहीं फाइनल था? नहीं, तो कल तक, मैंने कहा ना, जिस देश में सुबह तड़के आ गए, इसीलिए कह रही हूँ यहाँ पे पार्टी के लोग मुख्यमंत्री चेंज होते हैं और आप लोग 24 घंटे के बाद की बात को कह रहे हैं, अचानक हो गया। धन्यवाद, मैं रोहित अग्रवाल को इन्वाइट करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित जी।